नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों जैसे कि थंबनेल है आपने देखा होगा कि यदि आप लोग लॉकडाउन से आपका बिजनेस, आपका दुकान, आपकी जॉब जा चुकी है या फिर आपकी कमाई नहीं हो रही है और आपको लगता है कि अभी लॉकडाउन और एक्सटेंड होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं अभी कुछ कह नहीं सकते। एक बार हालात ठीक भी हो जाते हैं तो क्या उन दुकानदारों की वैसी सेल होगी, वैसी भीड़ होगी? और जो दुकानें शॉपिंग मॉल्स में हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हैं, वो तो अभी गवर्नमेंट बंद रखने वाली है, उनका क्या होगा? काफ़ी बड़ा प्रश्न है और काफ़ी देखा जाए तो सच में परेशान कर देने वाला प्रश्न है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी दुकानदार है तो अगर उसको घर का खर्चा निकालना हो तो वो जैसे तैसे निकाल सकता है, परंतु अगर आपकी EMI चल रही है, आपने पर्सनल लोन लेके रखा है या आपने कोई कंज्यूमर्स लोन लेके रखे हैं या आपने होम लोन लेके रखा है तो क्या होगा? सच में परेशान कर देने वाला है। पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए बट अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी 99% टेंशन ये वीडियो ख़त्म होते होते तक दूर हो जाएगी। बस करना क्या, आपको मेरी बातें बहुत ध्यान से सुननी है। हो सकता है आपको लगे मैं ज्ञान दे रहा हूँ, थोड़ा साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, बट प्लीज़ सुनिएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। ख़राब टाइम हो या अच्छा टाइम हो, परमानेंट नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। आज ख़राब टाइम है तो कल अच्छा टाइम आएगा। अब ये आता है कि भाई अगर लोन चल रहा है वो तो ख़राब टाइम अच्छे टाइम का वेट करता नहीं है, उसको हर महीने देना होता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ दोस्तों, मैं हर एक लोन की बात करता हूँ नॉर्मली। अगर आपने लोन कोई लिया है और वो लोन क्या EMI आप नहीं चुका पा रहे हो तो क्या होगा? देखिए क्या आप सोचिए क्या होगा। हम मैक्सिमम वर्स्ट से वो खराब से खराब सोच लेते हैं, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन सोच लेते हैं क्या होगा। पहली बात कर लेते हैं, ये छोटे मोटे जो लोन आपने कैश भी क्रेडिट भी सबसे लिए ले रखा है तो क्या होगा, नहीं चुकाया तो ठीक है। दूसरा, अगर आपने होम लोन ले रखा है, आपने कहीं से बैंक से पर्सनल लोन ले रखा है तो क्या होगा? देखिए जो पर्सनल लोन लेने वाले की बात है वो तो बिल्कुल नहीं घबराए। अनसिक्योर लोन में कोई भी पुलिस केस नहीं होता, आपको जितनी भी नोटिसें भेजी जा रही हैं वो सब फेक होती हैं, कोई भी नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट तो ऑलरेडी आदेश दे ही चुकी है कि लॉकडाउन में भाई रियायत दी जाए और आपका सिविल भी बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। तो गाइस अभी आता है कि क्या करना है। तो आप खराब से खराब देख लो भाई क्या होगा। फर्ज नोटिसें जो आने वाली हैं वो फर्जी, उस पर आपको ध्यान देना नहीं है। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है आपको उसे कहना है भाई नहीं दे पाऊँगा, आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं दे पाऊँगा। तीसरी बात, अगर आपको रिश्तेदारों को कॉल करता है, देखो रिश्तेदारों को कॉल करता है तो आदमी को मैं अभी जानता हूँ कि हमारे फ़ोन बुक में भले वो सबको कॉल करे पर हमारे कुछ 7 से 8 लोग ऐसे होते हैं, हमको लगता है भाई बस यहाँ कॉल नहीं जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बेइज्जती ज़्यादा हो सकती है। अगर और कहीं दोस्तों में कर दिया जो हमारे करीबी, वो तो बात समझ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी उन दोस्तों को, उन जो आप जहाँ पर आप लगता है कॉल नहीं जाना चाहिए, ऑलरेडी आप कॉल कर दो कि भाई मेरा एक इशू हो रहा है और उन्होंने मेरे साथ हैकिंग की गई है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैंने कंप्लेन कर रखी है। अगर आपको कोई फ़ोन ऐसा आता है वो गलत बोलेगा, झूठ बोलेगा, आप उसको डांट के रख दो। अगर आप उसको पहले से बोल दोगे तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी, वो आपको ही सही समझेगी पार्टी, ठीक है। तो आपको वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी कॉलिंग करने वाली टेंशन चली गई, कुछ लीगल नोटिस हो नहीं सकता है, घर में कोई कलेक्शन बंदे आएंगे नहीं, तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। और जब समय सही आएगा और कोई बोलता है पेनाल्टी लगा रहे हैं तो वो भी गलत, कोई पेनाल्टी नहीं लगाएंगे। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, आपकी दुकानें खुलेंगी, आपका काम चालू होगा, तो आपका जो भी EMI हो, आपका जो भी बैलेंस होगा वो आप धीरे धीरे करके कर सकते हो। इसमें बता दूँ ये लॉकडाउन में आपका सिविल भी ख़राब नहीं होगा, सिर्फ लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ मैं। अब ऐसे होम लोन वाले हैं, होम लोन में भी जिसने लेके रखा है भाई वो तो बड़ा EMI होता है। तो अभी देखिए ठीक है, आपका घर इतनी जल्दी सीज नहीं होता है, आपको बता दूँ अगर आपका 3 महीने आपको तो 3 महीने मोरेटोरियम है, और 3 महीने अगर आप EMI नहीं पे करते हो तब जाके आपका NPA में आता है नाम, और उसके बाद अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी देते हो तो भी आप NPA में नहीं आते हो। तो आप लोग होम लोन वाले को तो बहुत लंबा टाइम है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि अभी आपको 3 महीने का मोरेटोरियम है, अभी मोरेटोरियम और एक्सटेंड होने वाला, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको 1-2 महीने और मिलेंगे भाई, 5 महीने हो गए। 5 महीने के बाद भी अगर आपको 3 महीने आप बिल नहीं करते हो, 8 महीने हो गए, तब जाकर के NPA में आता हो। और इस 8 महीने में अगर आपने 1 महीने का EMI दे दिया तो आपको फिर 1-2 महीने का टाइम और मिलता है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ले लो, आपका घर जाने वाला नहीं है, आपको बहुत टाइम मिलने वाला है इस टाइम में, 8 महीने 9 महीने 8 और 9 महीने में। अब होता है कि भाई जिसने होम लोन लिया, कुछ लोग कंसर्न होते हैं कि चलो मॉरिटोरियम तो ख़त्म हो गया, उसके बाद भी
कमाई होने में हमारा सिबिल इम्पैक्ट करेगा, सिबिल स्कोर कम होगा तो उनको आगे लोन नहीं मिलेगा। तो बता देता हूँ, मैं खुद एक मैंने काफ़ी साल एक NBFC में काम किया है। हाँ देखिए, अभी आज के टाइम में थोड़ा कॉम्पिटिशन हो गया है कि इतनी सारी HFCs, NBFCs और बैंक्स आ गए हैं कि सबको प्योर केस नहीं मिलने वाले हैं, एकदम सिबिल ओके हो, 800 का स्कोर हो, सब कुछ हो तो ही लोन मिलेगा। आजकल कंपनीज कॉल लेने लग गई हैं, हम भी ऐसे करते थे। कॉल लेने में कैसे कॉल होती है, यदि आपका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम सही है, आपका दूसरे छोटे मोटे लोन ट्रैक रिकॉर्ड सही है, और लॉकडाउन की वजह से आपका मैं कहता हूँ एकदम बिगड़ गया है सिबिल, तो एक जस्टिफिकेशन होता है। हम आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो, भाई लॉकडाउन के कारण मेरा ये 3 महीने और आगे 2 महीने हमारा शॉप इस्टेब्लिश होने में भीड़ नहीं होती थी, कमाई कम थी, और तो हमारा ये 4-5 महीने गड़बड़ हो गया, पर आप उसके पहले के देखो मेरा रिकॉर्ड सही है। आखिर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो गई है, क्योंकि सब लोग पूरी दुनिया के पास जस्टिफिकेशन है, तो आपको भी आगे लोन मिलेगा। यदि ये 3 महीने का अगर सिविल तो खराब नहीं होने वाला, इसके बाद भी अगर आप ईवा 1-2 महीने लेट हो जाता है और सिविल खराब होता है तो भी चिंता मत करिए, आपके पास पूरी दुनिया में जस्टिफिकेशन है कि आपका सिविल क्यों बिगड़ा, तो आपको आगे भी समय आने वाले समय में लोन मिलेगा। हम लोग भी ऐसे करते आए हैं, और अभी बैंक सेटलाइट का जो केसेस हैं वो हम कर रहे हैं, तो ऐसे जस्टिफिकेशन हम पूछते हैं, कस्टमर जस्टिफिकेशन प्रॉपर देता है तो उसका हम लोन कर देते हैं, प्रोसेस उसका हो जाता है। तो आप लोगों को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा सिविल खराब हो जाएगा आगे चल के और हमको लोन नहीं मिलेगा। पर्सनल लोन वाले की मैंने टेंशन अब खत्म कर ही दी है कि आपको भाई क्या जाएगा, जब आदमी बस यही डरता है कि यार मेरे कॉलिंग कर देंगे, यार कॉलिंग करेंगे तो यार आपको जाहिर सी बात है भाई 200 लिस्ट में, अगर 200 लिस्ट में तो कॉल करने वाले हैं नहीं, वो खास को अगर 2-4 को सेलेक्ट करते हैं उसमें लगता है कि भाई ये 8-10 लोगों को नहीं जाना चाहिए, तो आप पहले से बोल दो यार, उनको मैसेज डाल दो कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, करना क्या है, मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, मेरा फोन बुक हैक कर ली गई है और वो लोग मेरे से पैसा मांग रहे हैं और मैंने कोई लोन नहीं लिया है, फर्जी लोन मेरे नाम से निकल गया, पैसा मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि आपके कॉलर्स को फ़ोन करेंगे कॉन्टैक्ट में, और अगर आपका फ़ोन आता था उल्टा आपको आप गरिया के गाली देके फ़ोन काट दो, डांट के फ़ोन काट दो, तो आप पहले कहता नहीं, ये पहले से ट्रम्प कार्ड आपने डाल दिया है, तो उनका फ़ोन करने का कोई भी असर नहीं होगा, उल्टा जो भी फ़ोन करेगा तो गाली खा के फ़ोन, एक दूसरे गाली खा लेगा तो फ़ोन फिर वो नहीं करेगा चौथी जगह कि भाई यहाँ तो हर आदमी गाली बकरा है इसके कॉन्टैक्ट पे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये लॉकडाउन का पीरियड है, गवर्नमेंट आपके साथ है, RBI आपके साथ है, हम जैसे यूट्यूबर्स जो आपको मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं आपके साथ हैं, और भाई इन लोग के खिलाफ वीडियो बना ही रहे हैं, सब कर ही रहे हैं, बस इस बीच में कंपनीज को जो भी करना हो करेगा, मेरा ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं भाई लोग हैं वो एकदम टेंशन फ्री रहें, खुश रहें, और ये लॉकडाउन में जो समय है अपने परिवार के साथ बिताएं, इतना ख़राब टाइम आ रहा है, एक लोग बीमारी फैल रही है, तो आप लोग एटलीस्ट बाहर बीमारी है तो घर के अंदर मानसिक बीमारी मत पैदा करो, खुश रहो यार, खुश रहोगे तो एकदम एनर्जेटिक रहोगे और इस कोरोना से लड़ने की आपको ताकत मेंटली मिलती रहेगी। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कुछ बातों आज समझ में आ गई होंगी और आपका टेंशन फ्री हो गए होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, कोई अगर मुसीबत आती है उसका फाइनल डिसीजन सोच लो, ऐसे खराब क्या होगा, खराब से खराब सोच लिया, चलो उसका उन्होंने सोल्यूशन निकाल दिया, बस बात खत्म है ना। तो भाई आप लोग चाहे होम लोन लिया हो, चाहे आपने पर्सनल लोन लिया हो, चाहे आपने यूट्यूब पूंजी ऑनलाइन जो फ्रॉड कंपनी उससे भी लिया हो, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और आपका सिविल भी खराब नहीं होगा गाइस, लॉकडाउन में ऐसा टाइम है, और ख़राब भी होता है तो आपके पास क्या है, जस्टिफिकेशन, आप चिंता मत करो, सिविल खराब भी होगा तो भी आपको लोन देंगे, और क्योंकि बहुत सारी NBFCs बैठी हैं लोन देने के लिए, वो जानती हैं ऐसे टाइम में क्या क्या हो रहा है, बैंकर्स को भी पता है, उनके कंपनीज को भी पता है, इसलिए वो आपको लोन देंगे, वो बंदा जेन्युइन है, प्रॉब्लम में फंस गया था इसलिए ऐसा हो गया है, बट ये बंदा ने पिछले साल और पैसे तो लोन ठीक से चुकाया है, या इसका पहला लोन था ऐसा हो गया, तो किस्मत की बात है, इसको लोन दो तो आपको लोन मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल फिक्र मत करिए। इन दैट केस अगर आपने कहीं लोन अप्लाई किया और आपका लोन रिजेक्ट हो गया हो तो भी आप जो कमेंट कर सकते हैं, इसमें भी मैं आपको हेल्प थोड़ी बहुत कर सकता हूँ, और अभी भी आपके मन में कोई टेंशन है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, रिप्लाई दूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो खुश रहें और बहुत खुश रहें। कल से मैं वीडियो बंद करता हूँ, आप लोगों को बहुत ज्ञान दे रहा हूँ और लंबा हो रहा, बोर हो जाएगा, तो गाइज आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका भाई बैठा है। जय हिंद, वंदे मातरम।